हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान प्याज, लहसुन, अदरक या फिर जब हम आटा गूंथते हैं तो उसमें से स्मेल आती है अजीब सी, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान क्यों होती है, वो स्मेल क्यों आती है और उससे क्या हम अपने बेबी के जेंडर का पता लगा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पुराने ज़मानों से ये बातें कही जा रही हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला को इन सब में से स्मेल आती है तो इसका मतलब होता है बेबी गर्ल या बेबी बॉय होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लहसुन और अदरक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपको लहसुन या अदरक काटते टाइम उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और ऐसा लगता है कि अब वॉमिटिंग हो जाएगा, तो पुराने ज़मानों में ऐसा कहा जाता था कि अगर आपको लहसुन और अदरक में से स्मेल आती है और उसको देखते या फिर उसकी खुशबू से आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो चलिए अब मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। जब मैं प्रेगनेंट थी तो मुझे ऐसी कोई स्मेल नहीं आती थी, पूरे प्रेगनेंसी मुझे किसी तरीके की किसी भी स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ना हो। मेरे रिलेटिव में एक लेडी प्रेग्नेंट थी तो उसको प्याज, लहसुन, अदरक और जीरे के छौंकने से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, तो इसलिए उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम खाना बनाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो उनके सासू माँ जो है वो बनाती थी या फिर हस्बैंड बनाते थे, तो इतना मुश्किल हाल हो गया था प्रेगनेंसी में। ऐसे बहुत सारी लेडीज़ को होता है। चलिए अब बात करते हैं प्याज की। तो बहुत सारी लेडीज़ को प्याज में से, प्याज को काटते टाइम वॉमिटिंग जैसा फील होता है और उसको उसके स्मेल से भी वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो पुराने ज़माने से कहा जा रहा है कि अगर प्याज काटते टाइम उसको उसमें से स्मेल आती है और वॉमिटिंग जैसा फील होता है तो ऐसा कहते हैं कि उसको जो है बेबी बॉय होने वाला है। चलिए बात करते हैं मेरे केस में। तो मेरे केस में मुझे प्याज में से भी कभी कोई स्मेल नहीं आई है। मुझे प्रेगनेंसी के सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में बस खाने को देख के वॉमिटिंग जैसा फील होता था, लेकिन मैंने कभी वॉमिटिंग की नहीं है, तो मेरे साथ ही ऐसा होता था। चलिए अब बात करते हैं आटा। तो बहुत सारी लेडीज़ को आटा गूंदने टाइम उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उनको ऐसा फील होता है कि अब वॉमिटिंग हो जाएगी। तो पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि अगर आटे में से भी स्मेल आती है तो भी कहा जाता है कि लड़का होगा, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पूरे प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने मैंने ही आटा साना और सारी रोटी मैं ही बनाती थी। मुझे इस तरीके की स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अपनी प्रेगनेंसी में। चलिए अब बात करते हैं कि जिन लेडीज़ को खट्टा या तीखा खाने का मन करता है उनको जो है बेबी बॉय होता है। तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम मुझे खट्टा तो नहीं लेकिन तीखा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था। तीखी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी और बहुत ज़्यादा खाने का मन करता था, तो ये कह सकते हैं कि मेरे केस में सही साबित हुआ। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इन सब चीज़ों में से कौन से चीज़ को देख के या फिर उसके स्मेल से आपको वॉमिटिंग आता है। ठीक है, तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और उसके साथ ही अगर आपको मेरी और वीडियो देखनी है तो सही है मेरी, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।